19 जून ने मूरथल सोनीपत में एक अवार्ड शो होया था जिसमें कई कलाकार देखने न मिले थे, पर कई नामी कलाकार ना दिखे तो कौन कौन से कलाकार मौजूद थे, किस किस ने कौन कौन सा अवार्ड मिल लिया और कौन कौन से कलाकार मौजूद ना थे, इस वीडियो में इससे बारे में बात करांगे और लास्ट में न्यू भी देखांगे कि मेरे हिसाब से कौन सा अवार्ड कौन से कलाकार ने मिलना चाहिए था और इससे लेने के कारण वीडियो का थंबनेल वो है जो कि तुमने देखा। इस अवार्ड शो में दिलेर खरकिया, सुरेंद्र रोमियो, MD, रेणुका पवार, अमित ढुल, देव कुमार देवा, अमन जाजी, मुकेश जाजी, बैम्बू बीट्स, राज मावर और भी कुछ सिंगर, लिरिसिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर देखने न मिले। तो इब देख लें किस किस ने कौन कौन सा अवार्ड मिलया। बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिलया सुरेंद्र रोमियो यानी कि रोमियो डाकल ने। बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिलया है रेणुका पवार ने। बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर का अवार्ड गया है सन्नी यानी कि बैम्बू बीट्स दोरे। इसके बाद बेस्ट लाइव परफॉर्मर का अवार्ड मिलया है अमित ढुल ने। फिर MD देसी रॉक स्टार की बात करा तो MD ने बेस्ट पॉप सिंगर का अवार्ड मिलया। फिर नंबर है बेस्ट पर्सनैलिटी का, तो बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड मिलया है दिलेर खरकिया ने। इस अवार्ड शो की गणीय क्लिप देखी पर बेस्ट राइटर की क्लिप देखने ने ना मिली, पर अवार्ड शो में मुकेश जाजी मौजूद थे तो हो सके है बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मुकेश जाजी ने मिलया हो क्योंकि कई गाने लिख के हिट बनाए है। फिर देव कुमार देवा ने बेस्ट वर्सेटाइल सिंगर का अवार्ड मिलया। हरियाणा के वन ऑफ द टॉप सिंगर राज मावर ने भी अवार्ड मिलया पर न्यू बेरा ना लग पाया वो अवार्ड क्या का था, हो सके है बेस्ट कंपोजर का हो और जे थम ने बेरा हो तो बताइयो। और इनके साथ साथ कुछ और अवार्ड भी होते तो और सही रहता, जुकर बेस्ट हरियाणवी हिप हॉप आर्टिस्ट, बेस्ट रैपर, अलग वाइब लियाण आला और बेस्ट डेब्यू सिंगर, यो सब ठीक था। पर इस शो में कुछ कलाकार की कमी महसूस हुई जो कि हरियाणा के अहम कलाकार में से एक है, जुकर KD, सुमित गोस्वामी, गुलजार छानी आला, अमित सैनी रोहतकिया, खासाला चार, मासूम शर्मा, KP कुंडू, बिंटू पावड़ा, एंडी कुंडू, बिल्ला सोनीपताला और भी कई। जो अवार्ड शो की क्लिप्स दिखी इन कलाकार का अंदाजा उससे तो लग गया है, हो सका है एक आधा जा रहा हो। ईब न्यू बात कर लिया कि मेरे हिसाब से कौन से अवार्ड का कौन सा कलाकार अकदार हो सके था और क्यों हो सके था। सब तो पहला तो बेस्ट वर्सेटाइल सिंगर वाले अवार्ड की बात कर लिया। वर्सेटाइल का मतलब हो वह है जो न्यारी न्यारी चीज करता हो, तो इस मामले में मेरे ख्याल में गुलजार टॉप सिंगर रहता क्योंकि वो के करे है इस चीज ते थम रूबरू हो, वो लिखे है, गावे है, म्यूजिक भी बनावे है, मिक्सिंग मास्टरिंग भी करे है और डायरेक्शन भी करे है। और अगर सिर्फ सिंगिंग में न्यारी न्यारी चीजा की बात करा या कह सको हो न्यारे न्यारे जोनर की बात करा तो उसमें KD होना था क्योंकि देसी हिप हॉप तो लेकर कमर्शियल रैप सिंगिंग सब कुछ KD ने करया है। ये बात अगर बेस्ट सिंगर की करा तो सुरेंद्र रोमियो ने खूब DJ हिट दिए और रोमियो का गाना बाजे बिना DJ बंद भी ना होया करे, पर गले का धनी होने में राज मावर भी कम कोन्या। बेस्ट कंपोजर की अगर बात हो है तो इस मामले में मासूम शर्मा भी कम ना दिखता। बेस्ट फीमेल सिंगर और बेस्ट पर्सनैलिटी वाले अवार्ड ते तो कोई गणी सी दिक्कत को ना, वे सही है। यो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, थमने केला गए कौन से अवार्ड के असली हकदार कौन थे कमेंट में बताइयो। राम राम।